एक जंगल में एक आम का पेड़ था। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव का एक छोटा सा लड़का रामू उस जंगल में जाकर उस आम के पेड़ के पास खेलता रहता था। वह उस पेड़ पर चढ़ता, आम खाता और बाद में आराम से उस पेड़ के नीचे एक नींद की झपकी ले लेता। रामू को पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता था, तो उस आम के पेड़ को भी खुशी होती थी। अब रामू रोज उस पेड़ के साथ नहीं खेलने लगा। एक दिन की बात है, रामू चलते चलते उस पेड़ के पास गया। वो बहुत ही दुखी था। आम के पेड़ ने कहा, चलो रामू बेटा, मेरे साथ खेलो। फिर रामू ने जवाब दिया, मैं बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारे साथ खेलूं। अब मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता। मुझे अब खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है। पेड़ बोला, मुझे माफ करो बेटा, मेरे पास पैसा नहीं है, परंतु तुम आम तोड़ सकते हो और उसे बाजार में जाकर बेचकर पैसे कमा सकते हो। रामू ये सुनते ही खुश हो गया। उसने आम तोड़ा, उसे जमा किया और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। लेकिन बहुत दिनों तक रामू वापस उस आम के पेड़ के पास नहीं आया। बेचारा आम का पेड़ बहुत दुखी हुआ। कुछ सालों बाद रामू अब आदमी बन गया था। फिर से उस आम के पेड़ के पास आया। आम का पेड़ खुश हुआ और बोला, रामू बेटा, चलो आओ मेरे साथ खेलो। रामू ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है और वैसे भी अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे अब मेरे परिवार के लिए काम करना है। हमें एक घर चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पेड़ ने कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, पर मेरे पास तुमको देने के लिए घर नहीं है, परंतु तुम मेरी शाखाएं तोड़कर घर बना सकते हो। ऐसा सुनते ही रामू ने आम की सभी शाखाएं तोड़ दी और उन्हें साथ में लेकर वहां से खुशी खुशी चला गया। शाखाएं टूटने के बावजूद आम का पेड़ खुश था, परंतु रामू उसके बाद नहीं आया और पेड़ बेचारा बहुत दुखी हुआ। कुछ सालों बाद गर्मियों के दिनों में रामू फिर से उस पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ। पेड़ ने कहा, आओ बेटा, चलो मेरे साथ खेलो। रामू ने जवाब दिया, नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझे जिंदगी आराम से बिताने के लिए नौकायन करना है, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो? इस पर पेड़ बोला, मेरे तने का इस्तेमाल करो और बोट बनाओ, फिर तुम नौकायन को ले जाकर खुश रह सकते हो। रामू ने उस पेड़ का तना भी काट लिया और उससे एक बोट बनाई और नौकायन को चला गया। फिर बहुत सालों तक वापस नहीं आया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। आखिर एक दिन रामू वापस आया। रामू को देखकर पेड़ बोला, मुझे माफ करना बेटा, परंतु तुम्हें देने के लिए मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। आम तो कभी के खत्म हो गए। रामू बोला, कोई बात नहीं, अब मेरे दांत भी तो नहीं है आम खाने के लिए। पेड़ बोला, तुम्हें खेलने के लिए अब शाखाएं भी नहीं है। पर अब मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, शाखाओं पर चढ़ने के लिए। पेड़ बोला,
मेरे पास सचमुच कुछ भी नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए, बस ये मरने वाली जड़ी है मेरे पास। और आम का पेड़ रोने लगा। अब मुझे किसी भी चीज की, रामू बोला, अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, अब मैं थक गया हूँ, बस मैं आराम करना चाहता हूँ। पेड़ बोला, तो फिर तो अच्छा है, पेड़ की जड़ें आराम के लिए सबसे अच्छा जगह होती है, आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। रामू नीचे बैठा, आम का पेड़ खुश हुआ और वो रोने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमारे दिल को छू लेती है कि कैसे एक पेड़ हमारे जीवन में बस जीवन भर देते ही रहता है और इंसान उस बात की कद्र तक नहीं करता। पेड़ हमें छांव और फल देते हैं, लकड़ियां देते हैं, लेकिन हम इंसान उसे अपने फायदे के लिए काटते और वापस कुछ नहीं देते। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप नया पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम उन्हें काटो भी मत।